दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ फेस पैक एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। आपने भी इसको बहुत बार यूज़ किया होगा, मगर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी यूज़ करके फेस पैक बनाने का, जिसे यूज़ करने के बाद आपको इसका इफ़ेक्ट दुगना मिलेगा। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है ऑयली स्किन के लिए है, एक्ने पिंपल्स वालों के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, मगर आज हम बात कर रहे हैं हमारी त्वचा की, स्किन की। तो आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके फेस को फेयर, ग्लोइंग और ब्राइट करने में मदद करेगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम एक फेस पैक बनाना सीखेंगे मुल्तानी मिट्टी का, जो कि ना सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है बल्कि ड्राई स्किन के लिए भी है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी है, यानी ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस आसान से नेचुरल और इफ़ेक्टिव फेस पैक को आप कैसे बनाओगे और सही से कैसे यूज़ करोगे जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले, उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मगर उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगे। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पका हुआ लाल लाल सा टमाटर लेना है और उसको करना है कद्दूकस। आप सोच रहे होगे मुल्तानी मिट्टी फेस पैक में हम ये क्या कर रहे हैं, बस आप देखते जाओ हम इसको यूज कैसे करेंगे। बस कद्दूकस करके एक कटोरी में इसको अलग कर लो और इसके बाद अलग से आप एक कटोरी लीजिए और उसमें डालिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। और इसके बाद जो हमने टमाटर का ये पेस्ट बनाया है कद्दूकस करके, इसमें से 2 चम्मच आप ये डाल दीजिए इसमें, और जो बच गया है उसको अलग कर दीजिए। अभी मैं इसका भी यूज़ आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है, और फिर आप इसको करिए मिक्स। और हमें ऐसा लग रहा है कि पेस्ट सही से बन नहीं रहा, तो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है शहद। 1 चम्मच शहद डालिए इसमें। चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, ऑयली हो चाहे ड्राई हो, डालने के बाद मिक्स करिए, स्मूथ पेस्ट बनाइए। अब बारी है इस बचे हुए टमाटर के पेस्ट की। इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे डायरेक्टली और ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देगा, क्योंकि टमाटर में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि डीपली हमारे पोर्स को क्लीन करती है। फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करके फेस को ब्राइट, क्लीन और फेयर बनाने में मदद करती है। तो अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी इसको लगाकर हल्के हाथों से बस मसाज कर लीजिए, और मसाज करने के बाद आपको फील होगा आपका फेस डीपली क्लीन हो गया है। तो इसको आप ज़रूर करें इस फेस पैक को लगाने से पहले। और फिर मैं यहाँ पे कॉटन की हेल्प से इसको रिमूव कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना फेस और नेक धो लें। और इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपना फेस पैक। दोस्तों, ये फेस पैक एक तो हमने नेचुरल तरीके से बनाया है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टी है और नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, जो हमारे फेस को फेयर और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेंगे। इस फेस पैक को आप अपने पूरे फेस पे लगाओगे, नेक पे भी लगाओगे, और इसको अपने अंडर आई एरिया और आंखों के चारों तरफ नहीं लगाना है, और लिप्स के चारों तरफ भी स्किन पे नहीं लगाना है, छोड़ देना है। तो इसको जब आप लगाओगे तो ये आपके फेस पे एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ ये आपके पोर्स हैं जो चेहरे के, स्किन के, उनको डीपली क्लीन करता है। ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इससे। तो इसको आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट में ये सूख जाएगा अच्छी तरह से, और फिर इसको आप पानी की हेल्प से साफ कर लीजिए, चेहरे और नेक को धो लीजिए, और इसके बाद आप फ्रेश फील करोगे बहुत ज़्यादा। और एक काम और कर लेना इसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर आप कोई भी फेस ऑयल या फेस सीरम यूज़ करते हो, इसको ज़रूर लगाना। आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है NYBAE का फेस सीरम। NYBAE के आपने मेकअप प्रोडक्ट सुने होंगे, बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल होते हैं। इन्होंने अपनी नई रेंज शुरू करी है फेस सीरम और हेयर सीरम की, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। तो ये वाला सीरम है, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये वाला सीरम है एंटी टैन ग्लाइकोलिक पील, जिसमें लेमन एसेंशियल ऑयल है इन्फ्यूज्ड, साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और टैन रिमूवल है। सबसे अच्छी बात ये है, तो आजकल मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें और भी मेरे पास 2 फेस सीरम हैं, जो कि हैं
एक मेरे पास है विटामिन बी का फेस सीरम, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन और इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द स्किन इन सब के लिए है। और एक और है जो कि है फेस सीरम फॉर फाइन लाइन, साइन ऑफ एजिंग, और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और एक मेरे पास है हेयर सीरम, जो कि बायोटीन के साथ है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, बालों को थिक करेगा, कंट्रोल करेगा फ्रिजी बालों को, और इसमें जर्मेनियम एसेंशियल ऑयल है। तो इसको तो मैं ट्राई करने के बाद इसका रिव्यू दूंगी कितना इफेक्टिव है, मगर मैं ये ग्लाइकोलिक पील वाला जो यूज़ कर रही हूँ एंटी टैन का सीरम, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ऑयली नहीं है, कोई भी स्किन टाइप का इसको यूज़ कर सकता है। मगर यूज़ करने से पहले एक बार अपने हाथ पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, इस पे मेंशन है। तो दोस्तों, इन सब के लिंक मैंने नीचे दिए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो इनको खरीदने में या इनकी डिटेल जानने में तो लिंक नीचे दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस फेस पैक को आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये फुलर अर्थ क्ले है तो आपके फेस को कहीं ड्राई ना कर दे। तो इसलिए आपको सिर्फ ये हफ्ते में 2 बार लगाना है। और ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बनाने में आसान है, इसको ट्राई करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।